कहानी 41। परमेश्वर यीशुओ जो मरीरे में ते जिंदा करा। सैनिका ने यीशुओ जो क्रूसा पर चढ़ाने ते बाद यहूदी प्रधाना ने पिलातुसा जो बोलिया, तिस झूठे यीशुओ ने बोलिया था, बई से तीन दिन बाद मरीरे में ते जीवंदा हुई जाना। किसी जो ए देखने खातर कबरा री चौकीदारी करनी पड़नी, बई तीसरे चेले तीसरी शरीरा जो ना चोरी करी लो। जे तिने एड़ा कित्या तो तिने बोलना भाई से मरीरे में ते जीवंदा हुई गया। पिलातुसा ने बोलिया, कुछ सैनिका जो ले के कबरा पर नजर रखू। इतने खतर तिने कबरा रे दरवाजे पर एक मोर लगाई थी और सैनिका जो तिथि बठाई था भी कोई तीसरे शरीरा जो चोरी ना करी सको। यसुआ रे मरने ते दूजा दिन संबतारा दिन था। कोई भी तीस दिन काम नहीं करी सकता था। इतने खतर यीशुओ रा कोई भी दोस्त कबरा पर नहीं आया। पर दूजे दिन सवेरे कुछ औरता यीशुओ रे कबरा पर जाने लगी, से तीसरे शरीरा पर और मसाले लगाना चाह थिया। तिने औरतारे पहुंचने ते पहले कबरा पर एक बहुत बड़ा तूफान आया। स्वर्गा ते एक दूता ने तिस पत्थरा जो किनारे करीता जो कबरा रे दरवाजे पर लगिरा था और तित्ते पर बैठी गया। स्वर्गदूत तेज रोशनी साई चमकने लगिरा था। कबरा च जो सैनिक थे तिने तिसो देखा, से डरी गए और बेहोश हुई गए। तब से औरता कबरा पर पहुंचिया। तब तिने स्वर्गदूता ने तिना जो बोलिया, मत डरो, यीशु इत्थी नहीं आ, से मरीरे में ते जीवंदा हो गया। जेड़ा तिने बोलिया था से हुईगा। कबरा च देखो। तिने औरता ने अंदर जाके देखा, जिथी यीशुओ रा शरीर रखेरा था से तिथि नहीं था। तब तिस स्वर्गदूता ने तीन औरता जो बोलिया, जाकर तीसरे चेलिया जो बताओ, यीशु मरीरे में ते जीवंदा हुई गया और से तुसारे आगे आगे गलीला जो जाना। से औरता हैरान हुई गी और बहुत खुश हुई गया। से चेलिया जो ए खुशखबरी सुनाने जो दौड़ी गया। जब से औरता चेलिया जो ए खुशखबरी सुनाने खतर रस्ते थी, तब यीशु तीना सामने आया। से तीसरे पैरा पर पड़ी गया। तब यीशुआ ने बोलिया, डरो मत, मेरे चेलिया जो गलील जाने जो बोलो, से तिथि मिंजो देख गए।